गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं लखनवी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चमेला झालावाड़। कल अपन ने सेकंड स्टेज के बारे में पढ़ा था, आज अपन पढ़ेंगे थर्ड स्टेज के बारे में। सेव दैट फ्रॉम योंडर आई वी मेंटल टॉवर द मोपिंग ऑल डस्ट टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वांडिंग नियर द सेक्रेट वॉर मोलेस्ट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। अब देखिए योंडर का अर्थ है एट ए डिस्टेंस, मतलब दूरी पर। आई वी मेंटल टॉवर द का मतलब है द टॉवर विच इज कवर्ड बाई द आईवी प्लांट। आईवी इज एन एवरग्रीन क्रीपर, इट इज जनरली कवर द सॉल्यूट एंड रियून बिल्डिंग्स। द अर्थ एट इज स्टॉक पॉक्स इज अनडाउटेडली इन ग्रेज माइंड इन द एलिजी वाइल डिस्क्राइबिंग द आईवी मेंटल टॉर, बट वी नीड नॉट सपोज दैट ही रिड्यूसेज ही रिप्रोड्यूसेज हिज सीन लाइक ए फोटोग्राफर। मतलब ग्रे के मस्ती में नीचे ही स्टॉक पॉज की चर्च है, किंतु वर्णन में कल्पना कभी पुट है। मोपिंग ऑल करते साइलेंट एंड डल, द वर्ड मोपिंग रेफर्स टू द सॉलिटरी हैबिट ऑफ द ऑल, उल्लू की तरह चुपचाप और बूढ़ा। कंप्लेन करता पुट्स फॉर्थ हिज ग्रीवियंस, शिकायत करना। ऑफ सच यानी ऑफ दोज पीपल, उन लोगों का। एज एनी हो जो वांडरिंग नियर द सेक्रेट वॉर पासिंग ऑफ द प्लेस वियर द ऑल हैज हर सीट, उल्लू के बैठने का स्थान। मोलिस्ट करता है डिस्टर्ब द पीस एंड सॉलिट्यूड ऑफ शांतिमंग में वातावरण भंग करना। एंशियंट का अर्थ है ओल्ड यानी प्राचीन। सॉलिट्यूड एंड लॉनली निर्जन सुनसान एकांत। रेन का अर्थ है स्वे और होल्ड रेज आधिपत्य। अब देखिए इसकी एक्सप्रेशन, सेव दैट फ्रॉम योंडर आई वी मेंटल टॉर द मोपिंग और डज टू द मून कॉम्प्लेन ऑफ सच एज वांडरिंग नियर द सेक्रेट वॉर मोरेट हर एंशिएंट सॉलिटरी रेन। देखिए दीज लाइन्स आर फ्रॉम ग्रेज एलिजी द पीसफुल एटमोस्फियर इज समटाइम्स डिस्टर्बड, द पीस ऑफ द एटमोस्फियर इज डिस्टर्ब बाई द हूटिंग ऑफ द ऑल। द ऑल कंप्लेन्स टू द मून अबाउट द पर्सन्स हु आर वॉन्डरिंग अबाउट एंड डिस्टर्बिंग हर लॉनली लेस। द ऑल इज ग्लूमी एंड सुलन, सी सिट्स इन ए क्वाइट मैनर ऑन द टॉवर कवर्ड विद आईवी विच इज एन एवरग्रीन क्रीपर अंडर द मून लाइट। व्हेन शी इज डिस्टर्ब टू लिव इन हर लॉनली पीस पैलेस, सी कंप्लेन्स टू द मून बिकॉज इट हैज बीन हर प्रिविलेज टू लिव इन सॉलिटरी प्लेसेज सिंस द एंशिएंट टाइम्स इन एवरी कंट्री। कि ये पंक्तियाँ ग्रे की कविता एलिजी से ली गई है। बांग का शांत बताने बातों से भंग होता है, वातावरण की शांति भंग करने वाली एक चीज और है वह है उल्लू की आवाज़। उल्लू चंद्रमा से उन लोगों के विषय में शिकायत करता है जो उधर उधर घूमकर उसके एकांत में खलल डाल रहे हैं। उल्लू खिन और उदास होता है, वह उस बुजुर्ग पर जो कि हमेशा हरी रहने वाली सिर्फ पेंचे की बेल से ढकी है बड़ी शांतिपूर्वक बैठता है। जब उस निर्जन स्थान से उसकी शांति को कोई खलल डाल जाता है तब वह चंद्रमा से शिकायत करता है, क्योंकि हर देश में प्राचीन समय से ही निर्जन एकांत स्थान में रहने का उसका अधिकार है। इस प्रकार इसमें क्रिटिकल नोट बनेंगे, इन वायदोलॉजी द ऑल हैज बीन फेसफुली रिप्रेजेंटेड एज ए लेडी इन मिडाइबल कासा अंडर कर्ट्स, सी कंप्लेन्स टू हर लवर द मून अबाउट पर्सन हु डिस्टर्ब ऑन हर सॉलिट्यूड। की माइथोलॉजी
मैं उल्लू को एक ऐसी लेडी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो शरापग्रस्त है, जिसे एक मध्यकालीन किले में बंद कर दिया गया है। वह अपने प्रेमी चंद्रमा से उन लोगों की शिकायत करती है जो उसे एकांत में बाधा डालकर परेशान करते। इस प्रकार ये थर्ड स्टेंजा कंप्लीट हुआ। कल आपको इन सब तीनों स्टेंजा को याद करके आना है और लिख लिख के याद करना है।